वेतन विसंगति को दूर किए जाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने बुधवार से कलमबंद हड़ताल आरंभ कर दिया है। हड़ताल के पहले चरण में समिति से जुड़े लोगों ने बुधवार को विकास भवन परिसर में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। समिति के सदस्यों का कहना है कि उनकी 3 सूत्रीय मांगे काफी समय से लंबित हैं, जिस पर संबंधित विभाग और शासन प्रशासन के लोग अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन के इस रवैये से समिति के सदस्यों में काफी आक्रोश है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका कलमबंद हड़ताल जारी रहेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ग्राम विकास सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए। खोट नहीं, सिगरेटी कोई खोट नहीं, सिगरेटी में खोट नहीं, सिगरेटी कोई खोट नहीं, हमें हमारा सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति 3 सूत्रीय मांग को लेकर के आज दिनांक से निश्चित कानूनी कार्यवाही कर रही है। पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में एक साथ एक कार्यक्रम चल रहा है। दोनों संवर्गों के प्रांतीय नेतृत्व अध्यक्ष रजनीकांत त्रिवेदी और गंगेश कुमार शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इको गार्डन लखनऊ में दिनांक 5 जून 2018 से आमरण अनशन के सहयोग में पूरे 75 जनपद के ग्राम पंचायत कार्य ग्राम विकास अधिकारी विकास भवन पर अपने 3 सूत्रीय मांग को लेकर। क्या है वो 3 सूत्रीय मांग? 3 सूत्रीय मांग में सबसे पहला मांग, ग्राम पंचायत कार्य ग्राम विकास अधिकारी की जो शैक्षिक योग्यता है जो आज तक इंटर है उसे बढ़ाकर स्नातक किया जाए, हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, ग्रेड पे जो ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी को 2000 ग्रेड पे मिलता है, हमारे अधीनस्थ कर्मचारी जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं सरकार उनको वो 900 ग्रेड पे देती है, हमसे 100 रुपया अंतर जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। हमारी दूसरी मांग है कि हमारा ग्रेड पे 2000 के बजाय 2800 किया जाए और अधिमानी योग्यता जो CCC है वो ओ लेवल किया जाए। हमारी तीसरी जो मांग है, जो 10, 16, 26 तीन प्रोन्नत पद होते हैं, अगर ग्राम पंचायत कार्य ग्राम विकास अधिकारी को प्रोन्नत पद नहीं मिलता है तो प्रोन्नत पद का वेतन मान उनको प्राप्त। ये 3 सूत्री हमारी मांग है। कब तक चलेगा ये आपका आंदोलन? ये अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मांगों को मानती नहीं है तब तक ये कार्य बहिष्कार लगातार चलता रहेगा।